गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए बुक आरिश अग्रवाल, आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल को देखेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके किस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके उसको इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। हमने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन में तुमको फंक्शन तीन टाइप से मिलेंगे। एक नॉन रिपीटिंग फंक्शन होगा, फिर रिपीटिंग फंक्शन होगा और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि आपको सेट करने सीखना है कि नॉन रिपीटिंग फंक्शन को किस फॉर्मेट में सेट करें, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू को निकालना होगा, फिर आगे चलकर हम लोग रिपीटिंग फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे सेट करेंगे, प्रीवियस वीडियो में सारी बात हो चुके हैं। सभी में बस तीनों पैटर्न पे, तीनों फंक्शन के पैटर्न पे किस प्रकार से उनको सेट करना है बस वो देखना है। बाकी जो भी कॉन्स्टेंट टर्म आप ए बी सी डी यूज कर रहे हो उनके वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद तो फंक्शन जो है ईजिली जो है इंटीग्रेट हो ही जाता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी जो क्वेश्चन मिल रहा है वो तुमको नॉन रिपीटिंग फंक्शन का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो एक्सरसाइज समझ ही रहे हो, 15A क्वेश्चन नंबर 6 से बात होनी है। आई इज इक्वल टू आज क्वेश्चन नंबर 6, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमको ये कन्फर्म होना होगा, रेशनल फंक्शन तो दिख ही रहा है पी वाई क्यू फॉर्मेट में है, हमको देखना होगा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं। तो मतलब डेनोमिनेटर का डिग्री जो है न्यूमरेटर के डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? न्यूमरेटर में x का हायर पावर 1 है, मतलब न्यूमरेटर का डिग्री कितना चल रहा है 1। अगर इसको ब्रेक करें, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में एक्स का हायर पावर 3 मिलेगा। इसका मतलब डेनोमिनेटर का डिग्री कितना चल रहा है 3। बड़ा स्पष्ट है कि यहाँ पर डेनोमिनेटर का डिग्री जो है ज़्यादा है। इसका मतलब इरेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तब तो कोई बात ही नहीं जी। अच्छा, फिर भी हमको देखना होगा कि हमारा डेनोमिनेटर जो फैक्टर फॉर्म में है कि नहीं, तभी पार्शियल फ्रैक्शन में हम जा पाएंगे। बिल्कुल फैक्टर फॉर्म में है। अच्छा, ये तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन है, कैसे पकड़ में आ रहा है? पहला नंबर, ये लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, तो ये नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे सेट करना है, हालांकि पिछले वीडियो में तो हमने बता दिया है, हम चाहें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन को ध्यान में रखकर भी इसको सेट करके बनाएंगे तो अभी आ जाएगा, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक को हम नॉन रिपीटिंग फंक्शन में ही बदल कर काम करें। तो इस चीज़ को हम क्यों ना ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख देते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ओके? ये अपनी जगह पर बना हुआ है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये भी नॉन रिपीटिंग हो गया, ये भी नॉन रिपीटिंग हो गया, ये भी नॉन रिपीटिंग हो गया। फिर से हम रिपीट करें चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म पे भी सेट करके हम बना सकते थे, लेकिन अभी हम जानबूझकर नॉन रिपीटिंग के ही केस को ले रहे हैं, जिससे कि इस पर तुम्हारा हाथ एकदम बिल्कुल क्लियर हो सके, ठीक है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू, ऊपर नहीं देखना है, नॉन रिपीटिंग क्या होगा, ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर प्लस सी बाई थर्ड फैक्टर, सी बाई थर्ड फैक्टर। तो हम तुमको लॉन्ग कट से भी दिखाएंगे, शॉर्ट कट से भी दिखाएंगे। हमें यहाँ पर जो तीन कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पर यूज करा हुआ है ए बी सी, और हमें इन तीन का वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करके तीन इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व, फिर उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ए बी सी का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो पहले हम लॉन्ग कट विधिवत तरीके से तुमको समझा दें,
इसको सॉल्व करना होगा एज इट इज। ये मेरा एज इट इज इसका एलसीएम, एक एक स्टेप को देखते चलो मजा आ जाएगा जी। कैंसिल, ए मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ए कैंसिल, ए मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, प्लस सी, ए कैंसिल, सी मल्टीप्लाई होगा इनके साथ। ओके, ये तो कट जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री यहां से केवल बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मेरा मल्टीप्लाई किया हुआ अगर है तो हम जल्दी से इसको यूज कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आराम से समझो हम क्या बोल रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करो और एक का गुणा कर दो उस पर, तो तुम्हारा आ जाता है 2ax स्क्वायर। हम थोड़ा जल्दी से काम कर लेते हैं, 2ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 3a। अब इसको मल्टीप्लाई करके b का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2bx स्क्वायर। ये तो सब लोग समझ रहे होंगे, 2bx स्क्वायर प्लस 5bx, 5bx प्लस 3b। अब इसको मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी, ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी का गुना जाएगा दोनों पर, तो सी एक्स स्क्वायर माइनस सी। ओके, यही आएगा, बढ़िया बात। अब देखो इसको, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, इसमें कॉमन ले लो जी। यहाँ से क्या बचा 2a, यहाँ से क्या बचा 2b, यहाँ से क्या बचा c, एक्स स्क्वायर कॉमन आया है। अब x कॉमन लो, यहाँ से a, यहाँ से प्लस 5b, बस यही बचेगा। अब जो कांस्टेंट है उसको देखो, तो यहाँ से माइनस 3a और कांस्टेंट प्लस 3b माइनस c। अब कंपेयर करो और इक्वेशन बनाओ, यहाँ का एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट ए है, यहाँ का एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब कॉफिशेंट जीरो रहा होगा, इक्वेशन बनाया जाए, इसलिए इतने का वैल्यू कितना रहा होगा जीरो, जीरो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ एक्स कॉफिशेंट है ए प्लस 5b, ओके, यहाँ का एक्स कॉफिशेंट 2 है, इक्वेशन 2, वहाँ का रिमाइंडर, यहाँ का रिमाइंडर मतलब यहाँ का कॉन्स्टेंट, वहाँ का कॉन्स्टेंट इक्वल रहा होगा, ठीक हो गया, माइनस 3a प्लस 3b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस थ्री, और ये तीन इक्वेशन बन गया। क्या करा, नॉन रिपीटिंग फंक्शन का केस था, ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर प्लस सी बाई थर्ड फैक्टर करके इसको सॉल्व कर दिया और कुछ इस फॉर्म में इसको ले लिया। फिर दोनों तरफ हमने इक्वेशन को कंपेयर करा, यहाँ का एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट, यहाँ का एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट, वहाँ का एक्स कॉफिशेंट, यहाँ का एक्स कॉफिशेंट को इक्वेट करा, वहाँ का कॉन्स्टेंट, यहाँ के कॉन्स्टेंट को इक्वेट करा, तीन इक्वेशन मिल गए मेरे को। और मेरे पास तीन अननोन है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम हमको तीन इक्वेशन का ज़रूरत था और हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन मिल चुका है। और इनको सॉल्व करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू आता है आफ्टर सॉल्व, ठीक है, सॉल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना, कुछ ना कुछ तो ए आया ही है। तो हम तुमको बता दें कि ये वैल्यूज तुम्हारे जो आ रहे हैं, ए का वैल्यू 5/2, बी का वैल्यू आ रहा है -1/10, ये आपको सॉल्व करना है, सी का वैल्यू आ रहा है -20/4/5। ये सॉल्व करने पर तुमको मिल जाएगा। स्टेप समझ लो, नॉन रिपीटिंग केस है, ऐसे सेट कर देना है, इनको सॉल्व करके आप इक्वेशन बना के कंपेयर करके कॉफिशेंट को कंपेयर कर लेना है और इस प्रकार से पुनः इक्वेशन मिल जाएंगे। इनको सॉल्व करके जो भी कांस्टेंट टर्म है उनके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर हो रहा है जी? ये तो लॉन्ग कट तरीके से हम तुमको समझाए, शॉर्ट कट तरीका क्या कहता है, शॉर्ट कट तरीका। चलिए, तो अभी हम शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम में हम दोनों तरीके से तुमको बता दे रहे हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा है कि आप शॉर्ट कट तरीका जो अभी यूज करने जा रहे हैं आप
उसी को आप एग्ज़ाम में आप यूज करना, जिससे कि समय की बचत, समय की जबरदस्त बचत होने वाली है तुम्हारी। कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले मेरे को ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? ए का, ठीक। हमें चाहिए ए का वैल्यू, तो हमें देखना होगा कि ऐसा क्या पुट करें कि एक्स का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। आराम से समझो, शॉर्टकट तरीका। हमें चाहिए ए का वैल्यू, तो ऐसा एक्स के जगह पर क्या रखूं कि ए का डिनोमिनेटर जीरो बन जाए। एक्स के जगह पर यदि हम माइनस वन पुट कर दें तो ए का डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, तो हम पुट करेंगे एक्स के जगह पर क्या? माइनस वन। तो कहाँ पुट करेंगे? कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, ये एक्स प्लस वन, इसको यहाँ ढक देना है, बाकी जो बच गया सब में रख दो एक्स के जगह पर माइनस वन। ए का वैल्यू निकालना है तो ए का जो नीचे वाला जो टर्म है, रिपीट कर रहे हैं, यदि हमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए का जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर ढक दो, अब बाकी जो बच गया पूरे पोर्शन में एक्स के जगह पर माइनस वन रख दो। चलो माइनस वन, तो माइनस टू, माइनस थ्री, ये हो गया माइनस फाइव। ऊपर से मिला माइनस वन, माइनस वन, ये माइनस टू मिला माइनस वन, तो माइनस टू प्लस थ्री, ये मिला वन, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया फाइव बाई टू। कितना आसान, समझ में आ रही है बात? अब हमें चाहिए बी का वैल्यू, बी का वैल्यू। यहाँ क्या पुट करूँ कि एक्स बी का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए? तो एक्स के जगह पर वन रखने पर बी का डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो हम पुट करेंगे एक्स के जगह पर वन। क्लियर? कहाँ पुट करेंगे? तो ये देखो, बी का वैल्यू निकालना है तो बी का जो नीचे वाला है उसको यहाँ पर ढक देना है, अब जो बाकी बच के रख दो। एक्स के जगह पर क्या रखना है? क्या रखना है? वन। चलो टू इंटू वन, टू, टू माइनस थ्री, माइनस वन, एक्स के जगह पर वन। समझ में आ रही बात ना? वन प्लस वन टू, एक्स के जगह पर वन, वन इंटू टू, टू, टू प्लस थ्री फाइव, ये हो गया माइनस वन बाई टेन। ए बी का वैल्यू, इंटरेस्टिंग। अब चाहिए हमें सी का वैल्यू, सी का वैल्यू चाहिए, ओके। तो यहाँ क्या पुट करोगे एक्स के जगह पर कि सी का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए? सी का डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए हमें क्या पुट करना होगा? माइनस थ्री बाई टू। समझो 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 समझो, यहाँ एक्स के जगह पर यदि माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो सी का डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं एक्स के जगह पर माइनस टू बाई थ्री। कहाँ पुट करेंगे? सी का वैल्यू निकालना है तो जो सी का नीचे वाला है ए, इसको ढक दो, बाकी सब में रख दो, ठीक। चलो क्या रखना है? टू, एक्स के जगह पर माइनस टू बाई थ्री, माइनस थ्री अपॉन एक्स के जगह पर माइनस टू बाई थ्री, आराम से देखते चलना, प्लस वन, एक्स के जगह पर माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो हो गया माइनस फोर बाई थ्री। समझो समझो, ये हो गया माइनस फोर बाई थ्री, माइनस थ्री, ये हो गया, ए सॉल्व करा तो थ्री माइनस टू वन, वन बाई थ्री इंटू, ये हो गया माइनस फाइव बाई थ्री, ओके, माइनस फाइव बाई थ्री। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दो, इसको सॉल्व करो, माइनस नाइन माइनस फोर, तो माइनस थर्टीन बाई थ्री, और ये हो गया थ्री थ्री जा नाइन, चला गया ऊपर बाई माइनस फाइव, ये थ्री बार में कट गया, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस नाइन माइनस फोर, माइनस थर्टीन बाई थ्री, ये ऊपर गया कुछ कुछ कुछ, माइनस फाइव, चेक करो कुछ गलती हो गया है क्या। एक्स के जगह पर क्या रखने जा रहे हैं? माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू रखना था, सॉरी सॉरी, माइनस थ्री बाई टू, तब तो जीरो होगा ना। देखो, टू एक्स प्लस थ्री के जगह पर हम क्या चाहते हैं? जीरो। इसका मतलब एक्स के जगह पर हमको क्या रखना होगा? माइनस तीन में डालू,
गलत हो गया, चलो 2x के जगह पर -3/2, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, -3x के जगह पर -3/2+1, -3/2-1, इसमें रखना ही नहीं है। चलिए 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 अब इसको देखते सॉल्व करो। आप C=2 ए सॉल्व होकर माइनस ए तो 2 से 2 कैंसिल, -3 -3 -6 ये हो गया, और ये हो गया -1/2 -1/2 ठीक है, ये हो गया -5/2 -5/2 ठीक है, -1 -1 कट गया, ओवरऑल 1 रह ही जाएगा यहाँ पर, तो 6 और 8 2 2 4 ऊपर बाई -5 24/5 ए माइनस को बगल आ गया सी का वैल्यू। शॉर्टकट आसान है तो हम फिर बोल रहे हैं कि हम दोनों ही तरीके से आपको यहाँ समझा दे रहे हैं, अच्छा होगा कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिले एग्जाम में, तो ये शॉर्टकट लगाओ, समय की बचत है जी, हालांकि दोनों ही तरीके सही। इसलिए अब क्या करना है, जो एबीसी का वैल्यू आया उसको रख देना है यहाँ पर। ए का वैल्यू कितना आया है 5/2, बी का वैल्यू -1/10, सी का वैल्यू -24/5। जो टाइम लगना है बस ये कॉन्स्टेंट टर्म को सॉल्व करने में जो समय लग जाए, बाकी तो अब काम आसान है। I=2 क्वेश्चन पे आओ। दिस तो इनके जगह पर ए रख दूं, प्लस माइनस बीच में क्यों ना माइनस कर लिया जाए, प्लस माइनस बीच में माइनस, dx। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन बटेगा तीनों पर और कांस्टेंट टर्म को हम पीछे भी करते चलेंगे। ओके, तो यहां से 5/2 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, -1/10 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, -1 कांस्टेंट टर्म पीछे गया, तो इंटीग्रेशन इसकी निकलनी है, तो बड़ा आसान है जी। वह इसको x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन log x -1/10, 1/x का log x, और जो ध्यान देना है कि x कोफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं, -24/5। इसको x के रूप में देखें तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, लेकिन यहाँ x कोफिशिएंट 2 है, उसको अलग से डिवाइड करना होगा, प्लस c तो होगा ही, समझ में आ रहा है 2 को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, यहाँ x कोफिशिएंट कितना है 2, तो उसको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये फिर 12 बार में कट जाएगा, अगर तुम समझ रहे हो तो ए इसको कट करेगा तो ए आ जाएगा यहाँ पर 12, और ये हमारा आंसर हो जाता है। नोट करो, हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चाहिए जिस मेथड से चाहिए हो, शॉर्टकट लॉन्ग कट जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। किसका इंडक्शन चाहिए भाई, 7 है 2x+5 x²-x - 2 का इंटीग्रेशन चाहिए। ओके, पहले देखना होगा, ठीक है रेशनल फंक्शन तो है, लेकिन हमें देखना होगा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में है कि नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, तो अभी तक नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फैक्टर फॉर्म में लाएं ज़्यादा अच्छा। अब इसको फैक्टराइज कर देते हो तो ये आ जाएगा x+1 x-2। अरे भाई इसको फैक्टराइज कर लो जी, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं,
नॉन रिपीटिंग फंक्शन, नॉन रिपीटिंग फंक्शन पावर वन जा रहा है, पावर वन है तो नॉन रिपीटिंग फंक्शन। नॉन रिपीटिंग फंक्शन वाला में तो काम बहुत सरल है जी, पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू, ऊपर देखना ही नहीं है, ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर, बड़ा आसान, क्लियर है ना। ओके, इसका एलसीएम वगैरह कर लो तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम कटा, एक्स माइनस टू है ये कैंसिल, तो बी एक्स प्लस बी, फिर ये जाएगा ये यहाँ से x x कॉमन, a प्लस बी प्लस फिर क्या बचा माइनस टू ए प्लस बी, ये दोनों में से x को हमने कॉमन ले ली माइनस टू ए प्लस, कंपेयर करो यहाँ का x कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ का x कोफिशिएंट टू इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ का कांस्टेंट फाइव, यहाँ का कांस्टेंट एट, ये दोनों इक्वल रहे होंगे तो माइनस टू ए प्लस बी बराबर में फाइव इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और ए और बी का वैल्यू निकाल लो, और जब तुम इनको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आ जाता है, सॉल्व करने पर ए का वैल्यू आएगा माइनस वन और बी का वैल्यू आएगा थ्री। सॉल्व तुम्हें करना होगा, ये तो कुछ लॉन्ग कट, लेकिन शॉर्ट कट से इसी चीज़ को हम ऐसे ना करके कैसे बनाएं, ये देखो हमें चाहिए किसका वैल्यू, पहले मान लो ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू चाहिए तो हमको ए का डिनोमिनेटर को जीरो करना होगा, तो एक्स के जगह पर क्या पुट करोगे, एक्स के जगह पर माइनस वन पुट कर दे तो ए का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो कहाँ पुट करूँ एक्स के जगह पर माइनस वन, कहाँ पुट करूँ, तो कह रहा है कि हम ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए का जो नीचे वाला है उसको ढक दो यहाँ, ये देखो ढक दो, बाकी जो बच गया सब जगह एक्स के जगह पर माइनस वन रख दो, माइनस वन माइनस टू फाइव माइनस टू ये हो गया थ्री, एक्स के जगह पर माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यानी ए माइनस वन, देख रहे हैं एकदम बिल्कुल से कितना आसान। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए तो बी का डिनोमिनेटर जीरो होना होगा, तो एक्स के जगह पर क्या पुट करोगे टू, तो एक्स के जगह पर क्या हम पुट करने वाले हैं टू, कहाँ पुट करेंगे, तो b का वैल्यू चाहिए तो b के नीचे वाला जो है उसको यहाँ पर ढक दो, बाकी में रख दो टू, टू टू जब फोर, फोर प्लस फाइव नाइन, टू प्लस वन थ्री, ये कितना हो गया थ्री, ये देख लो बेस्ट तरीका है, समझ में आ रही है बात ना, शॉर्टकट या लॉन्ग कट मैटर ये नहीं है, तुमको जो यहाँ पर आपने कांस्टेंट टर्म यूज करा हुआ है उनके वैल्यू तुमको कैलकुलेट कर लेना है जी। हम तो सजेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम में शॉर्टकट, अगर हम वहाँ 10 सेकंड में समय बचा लेते हैं तो हमारे लिए तो बहुत मायने रखता है जी। तो ठीक है, हम यहाँ पर दोनों ही मेथड आपको समझा रहे हैं जिससे कि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो सके, अगर एग्ज़ाम में 10 सेकंड में अगर हम बचा लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात यही होता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम वहाँ पर शॉर्टकट मेथड को यूज़ करेंगे। एनीवे, ए का वैल्यू माइनस वन यहाँ रख देना होगा और बी का वैल्यू थ्री इसको यहाँ पर रख देना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, दिस 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 ओके, एक्स बढ़ेगा इंटीग्रेशन दोनों पर और कांस्टेंट को पीछे भी माइनस, यहां पर कांस्टेंट पीछे आएगा प्लस 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 थ्री, कांस्टेंट पीछे गया, अब यहां पर माइनस, इसको वन बाई एक्स का लॉग एक्स, हाँ एक्स कोएफिशिएंट वन अलग से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, प्लस थ्री वन बाई एक्स का लॉग एक्स, और यहाँ भी x कोएफिशिएंट 1 अलग से डिवाइड करने का जरा नहीं पड़ेगा, ठीक है बढ़े आगे। फिर चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला कौन लूँ, तो 8 आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। अब ये है तुम्हारा रेशनल फंक्शन तो है, लेकिन इस बार इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, न्यूमरेटर का डिग्री चल रहा है टू, डिग्री कहने का मतलब एक्स का हायर पावर, और डिनोमिनेटर का भी डिग्री है टू,
तो अगर डिग्री सेम हो जाए या ऊपर वाला का ज़्यादा पड़ जाए डिग्री, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में नीचे का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो हमेशा प्रॉपर रेशनल फंक्शन का होता है, ये तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो हमें पहले इस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलना होगा, डिवाइड करके बदलना होता है। कैसे समझो, डिवाइड करो इसमें, इसको डिवाइड करो, ये सब काम रफ में कर लेना, रफ में करना है। इसमें इसको डिवाइड करो, एक काम रफ में है। सबको आता होगा, फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़े होगे, वन टाइम में जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, साइन बदला, कट ऑफ, ये हो गया टू एक्स प्लस वन। आसान है जी। तो ये डिवाइड का नियम क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। हालांकि वन लिखने का कोई तात्पर्य नहीं, दिस इंटू दिस प्लस दिस, ऐसा है डिवीजन का नियम। दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। क्लियर, जरा ध्यान दें यहां पर, ये देखो दिस, ओहो आ जाए, तो यहाँ वन का कोई तात्पर्य नहीं है, तो इनके जगह पर हम ओ ला रहे हैं, प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एज इट इज, ये हो गया। तो इधर से हम लोग धीमे से इसको हम लोग हटा भी दें, समझ में आ रहा है, एड एक्स बना हुआ है। अब दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस आ जाए जरा, तो दिस बाय दिस कट कर वन, प्लस दिस बाय दिस अब इंटीग्रेशन बांटा जाए, इंटीग्रेशन बांटा जाए, वन का इंटीग्रेशन मतलब डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इनका इंटीग्रेशन, अब देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, एक्स इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो ये रेशनल फंक्शन जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का न्यूमरेटर का डिग्री वन है, एक्स का हायर पावर वन, और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना चल रहा है, तो ये तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तब ना जब हमारा डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में हो, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग, या फिर हम चाहें तो इसको पहले वाले अंदाज से भी बना सकते थे, पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, याद करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद आ रहा है ना, ये इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो पहले हम लोग सीखे हुए हैं। तो चाहें तो इस प्रॉब्लम को उस मेथड से भी हम बना सकते हैं, कोई बात यथा नहीं है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन पर ही जाना है। चीज क्या करना होगा, पुट दिस इज इक्वल टू दिस ऑफ दिस प्लस बी, तो भी हो जाएगा, या फिर सेटिंग यहाँ भी एक सेटिंग चलता था कि यहाँ भी एक साइड चलता था, हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस थ्री, तो इसको हम किसी तरीके से 2x प्लस थ्री बना देते, पहले की वीडियो आप देख लेंगे। तो हम चाहें तो इसको इस फॉर्मेट पे भी जाकर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन चूंकि आज हमें जो है मेन मेरा टारगेट है पार्शियल फ्रैक्शन को सिखाना, तो हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप इस फॉर्मेट पे जाकर भी काम कर सकते हो, जो कि पहले बहुत हो चुका है। तो आज हम इसको स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन से ही हम इसको काम करना चाह रहे थे। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स तो हो ही गया, और इसको फैक्टर कर लेना है, तो इसको अगर तुम फैक्टर कर लेते हो तो आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, फैक्टर समझ रहे हो ना, ये तो बहुत आसान है। नॉन रिपीटिंग फंक्शन बड़ा काम आसान है जी। पुट करा जाए यहाँ पर दिस इज इक्वल टू
ऊपर देखना ही नहीं है, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर, क्लियर। a और b का वैल्यू निकालना है, लॉन्ग कट या फिर शॉर्ट कट। तो अगर तुम इजाज़त दो तो हम शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, क्योंकि तुम तो सीख ही चुके हो लॉन्ग कट से भी कैसे निकालना। सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनाने होंगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो ये और भी का वैल्यू आ जाएगा। तो शॉर्टकट से अब समझ लो। तो पहले मेरे को चाहिए ए का वैल्यू। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब ए का डिनोमिनेटर को हम जीरो करें। कैसे जीरो होगा, एक्स के जगह पर माइनस वन पुट करें। तो पुट करते हैं एक्स के जगह पर माइनस वन, कहाँ पुट करें, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए के नीचे वाला जो है इसको ये देखो ढक दो, रख दो माइनस वन, यहाँ पर जो बच गया उसे माइनस वन, माइनस वन तो माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन, माइनस वन प्लस टू तो वन, यानी ए बराबर में हो गया माइनस वन, क्लियर। कितना आसानी से निकल जाता है ऐसे। अब मान लो मेरे को बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, तो बी के डिनोमीटर को जीरो करना होगा। तो क्या पुट करना होगा जी, तो पुट करना होगा एक्स के जगह पर माइनस टू पुट करना होगा, जिससे बी का डिनोमीटर जीरो हो जाएगा। कहाँ पुट करूँ, b का वैल्यू चाहिए ना, तो b के जो नीचे वाला है उसको ढक देना है यहाँ पर, बाकी जो बच गया ना उसमें माइनस टू रख लो। चलो माइनस टू, माइनस टू टू, माइनस फोर, माइनस फोर प्लस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री, माइनस टू प्लस वन, ये हो गया माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया थ्री। यानी a के जगह पर माइनस वन, b के जगह पर थ्री। ये हमने शॉर्टकट यूज करा हुआ है, टाइम की बचत होता है और आपको भी ऐसे करना चाहिए। अब जो भी आया ए और बी का वैल्यू, अब हम उठा के यहाँ रखने वाले हैं। ए के जगह पर आया मेरा कितना, माइनस वन, और बी के जगह पर मेरा आया थ्री, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ तक हम इसको इरेज करें। आई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस दिस, ओहो दिस, समझ में आ रही बात, दिस प्लस डीएक्स, समझ में आ रहा। इसके जगह पर हमने ए वैल्यू रख दी। अब इंटीग्रेशन बढ़ेगा, कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको पीछे निकलते चलना है। ये हो गया एक्स प्लस, ये देखो ये माइनस को बाहर निकाल रहे हैं और इंटीग्रेशन जा रहा है इस पर, ओके यही हुआ प्लस प्लस इंटीग्रेशन गया इस पर, थ्री कॉन्स्टेंट टर्म पीछे आना है, एक्स प्लस तो एक्स माइनस इसको वन बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस थ्री, इसको एक्स के रूप में देख रहे हैं। अच्छा एक्स कोएफिशिएंट वन है, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी एक्स कोएफिशिएंट वन, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वन बाई एक्स का लॉग एक्स, ए लो प्लस सी आंसर, क्लियर। आगे बढ़े तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तब तो कोई बात नहीं जी, अगर ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हमको डिवाइड करके उसको पहले प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हमको बदलना पड़ेगा, मतलब यही हुआ। और क्वेश्चन नंबर नाइन दिखा दूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस प्रॉब्लम को हम चाहें तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, पहले बनाव भी हुआ है लेकिन आज पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना होगा। पहले देखना रेशनल फंक्शन तो है लेकिन प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री दो, नीचे वाले का डिग्री दो बराबर हो गया तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, या ऊपर वाला का डिग्री ज़्यादा हो गया तो भी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसको डिवाइड करके प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाना हो। चलो डिवाइड करते हैं जी, रफ में आकर डिवाइड करना है, इसमें इसको डिवाइड करना है, वन टाइम में जाएगा। आई थिंक सबको ये पता होगा, डिविजन सबको आता होगा, इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, हालांकि वन का कोई मतलब नहीं। अरे देखो इसको सॉल्व करो, यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि हम इनके जगह पर ये लिख सकते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, एज इट इज बांटा जाए, दिस बाय दिस वन प्लस दिस बाय दिस, ओके। अब इंटीग्रेशन बांटना चाहिए,
किसका इंटीग्रेशन, वन का मतलब क्या, डी एक्स का प्लस ए इंटीग्रेशन आएगा इस पर, और उसमें दो कॉन्स्टेंट टर्म पीछे आएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू। यहाँ तो फार्मूला यूज हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तुमको पार्शियल फ्रैक्शन में जाना है तो इसके जगह पर x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन कर दो और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में जाओ, पहुँचोगे वहीं। तो जब यहाँ पर फार्मूले का यूज़ हो रहा है तो क्यों ना हम फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर बना ले। इस वन के जगह पर तुम लिख ही सकते हो वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया जाए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। याद करो पहले वाला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या कहता है, वन बाई टू ए एक रूप में वन लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, टू से टू कैंसिल हो रहा, हटा दो जी, प्लस वन का कोई मतलब नहीं रह गया अब तो, लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर तो हमको पार्शियल फ्रैक्शन जाने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमने फार्मूला यूज कर ली। अगर हम फिर से बता दें कि अगर तुम फार्मूला यूज नहीं करना चाहते थे तो यही था तुम्हारा, तो तुम इसको ऐसा लिख लेते, अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाने का मन हो गया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूला मिला हमने यूज़ करा जी, इस पोर्शन को ज़रा किनारे लाओ, तो इसको लिख सकते एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर करके आगे बढ़ते चलो एज इट इज़, जैसे पहले हुआ है तुम यहीं पर आके रुक जाओ। क्लियर है? ठीक है, तो जहाँ हमें फार्मूला मिल जाए और दो चार स्टेप अगर हमें शॉर्ट पड़े तो क्यों ना हम उन्हें यूज में लाएं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी जो प्रॉब्लम मिल रहे हैं सब के सब प्रॉपर रेशनल फंक्शन वाले हैं, जिसको हम कन्वर्ट करके प्रॉपर रेशनल फंक्शन इसको हम बदल रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर में शायद एक्स क्यू, न्यूमरेटर का डिग्री 3, डेनोमिनेटर का डिग्री 2, तो ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा पड़ जाए या इक्वल हो जाए तो समझ लेना कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको डिवाइड करके प्रॉपर रेशनल फंक्शन में लाना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं रफ में आके, आ जा भाई, एक्स क्यू में डिवाइड होने जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, कितने बार में एक्स बार में एक्स क्यू माइनस फोर एक्स। इसको थोड़ा हम पिकअप में कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक सब लोग इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। आ जा रहा क्वेश्चन पे, एक्स क्यू के जगह पर बाय बना हुआ है अपने जगह पर, कर सकते हैं दिस बाय दिस दिस बाय दिस दिस बाय दिस, तो एक कैंसिल, यहां सिर्फ एक्स दिस बाय दिस लिख सकते हैं क्या, बढ़ दिया जाए इंटीग्रेशन। ओहो, किसका इंटीग्रेशन, एक्स का प्लस किसका इंटीग्रेशन। अब देखो रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग कि न्यूमरेटर का डिग्री है 1 और डेनोमिनेटर का डिग्री है 2, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। तो हम तुमको यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो पहले उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में तुमको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में आ गया है, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चाहे तो जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में जाया जा सकता है, थोड़ा सा लंबा स्टेप हो जाएगा और यहाँ से मेरे को लग रहा है कि डायरेक्ट फार्मूला मेरे को मिल रहा है, तो तुमको ज़रा बताएं अच्छा हुआ कि यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाएं, और जैसा हम बोले कि जहाँ बचत हो वहाँ पर तो बचत हम तो करेंगे ही। एक 4x है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस इस 4x को ऐसे लिख दे क्या, 2 इधर लिख देते हैं, 2x यहाँ दे देते हैं। अरे क्या दिक्कत है यार, इसको z बोल दो, इसके लिए पुट करा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को z, नहीं दिखेगा, इसको बोला z, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का 0, dx अपने से z का dz। तो देखो ना, इसको जैसे ही हमने z बोला एक्स स्क्वायर का 2x, 4 कॉन्स्टेंट टर्म 0, हम समझ गए कि वो तब तो ये हो गया dz बाई z लॉग z,
तो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाना ज़्यादा बेहतर नज़र आया मेरे को। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, कैसे बात करेंगे भी। आ जाए जरा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, अब डी एक्स लिखने का कोई मतलब नहीं, प्लस मेरा टू पहले से आ रहा है, टू एक्स डी एक्स, ए पोर्शन मेरा डी जेड बाई जेड, वन बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, प्लस सी, जेड का वैल्यू रिटर्न करना होगा जी, टू जेड मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस सी, ये मेरे आंसर हो गए। अब हम चाहते इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो आसान था, हम तो यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में चले गए, तुम चाहते तो पार्शियल फ्रैक्शन भी जा सकते थे, लेकिन उससे बेहतर मेरे को यहाँ पर ये लगा था हमने इस मेथड को यूज कर दे। सपोज करो कि मान लो यही हमारा इंटीग्रल है, अभी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में गए, नहीं जाने का मेरा मन है कि देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाए, बन जाता, क्या करना पड़ता समझो, इसको लिख देते हैं एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, हालांकि क्वाड्रेटिक पर भी इसको सेट करके हम बना सकते थे, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक पर नहीं ले रहे हैं, अभी क्वाड्रेटिक वाला केस हम आगे लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इसको हम नॉन रिपीटिंग केस से ही बनाकर इसको हम दिखाएं, तो ऐसे कर लेते हैं नॉन रिपीटिंग तो पुट कर लेते, थोड़ा लाइन पर ला दें, बना लोगे ए बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस बी बाई सेकेंड फैक्टर, यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकल जाता। ठीक है, पुट करते एक्स के जगह पर माइनस टू, क्या करते पुट करते एक्स के जगह पर माइनस टू, तो ए का वैल्यू आ जाता, और बी का वैल्यू के लिए आपको पुट करना होता क्या एक्स के जगह पर टू, तो बी का वैल्यू आ जाता, रख देते काम आसान हो जाता। तो अगर तुम पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना चाहते हो तो तुम ऐसे भी जा सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में हमें जिस समय जो स्टेप अच्छा लगेगा आसान लगेगा उसको हम यूज करेंगे जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो आई थिंक कि हम लोगों को धीमे धीमे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे, धीमे धीमे कुछ समझते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। और एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप घर पे जो है जितने भी एग्जांपल के क्वेश्चन हैं उसको भी बैठकर बनाएं, हर एक एग्जांपल के क्वेश्चन को आपको जो है घर पे बैठकर सॉल्व करना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि इतना समझ आने के बाद एग्जांपल के भी हर एक क्वेश्चन जो है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बन जाएंगे। तो आज वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।